हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज 29 अक्टूबर एंड आई सुचि राणा वेलकम्स यू ऑल इन टुडेज करंट अफेयर सेशन। आज के करंट अफेयर सेशन में कुछ अलग से हम क्वेश्चन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज में रहा है वो डिस्कस करेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम वो अलग से आज डिस्कस करने वाले हैं। सारी डिटेल्स, सारा जो मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ पीडीएफ फॉर्म, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो जस्ट गो देयर, क्लिक ऑन दैट लिंक और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स के साथ जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, आदित्य पुरी हैज स्टेप्ड डाउन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू रिप्लेस पुरी एज द न्यू एमडी एंड सीईओ? आदित्य पुरी जो कि एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ रहे हैं बीते कुछ सालों से, लगभग 25 सालों से उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, उतनी मेहनत की है एंड एचडीएफसी बैंक को एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाया है और भारतीय कस्टमर्स को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी है थ्रू एचडीएफसी बैंक। सो यहाँ पर वो स्टेप डाउन कर चुके हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह पर जिन्होंने रिप्लेस किया है उसका नाम हमें बताना है, यानी कि एचडीएफसी बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, शशिधर, जगदीशन और या फिर अल्फा कॉन्डे। अपने आंसर मार्क कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। एज यूजुअल जैसे आप अपने स्कोर शेयर करते हैं, डू शेयर विद अस, दैट मोटिवेट्स अस। ठीक है, सो यहाँ आप अपने आंसर मार्क कर लीजिए और जो सही आंसर है वो है शशिधर जगदीशन। वो ये बन गए हैं एचडीएफसी बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ। ठीक है, आफ्टर 25 इयर्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल करियर एट इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर, यानी कि एचडीएफसी के अंदर काम करने के बाद, उसको संभालने के बाद, उसको इस कामयाबी पर पहुंचाने के बाद, आदित्य पुरी ने ड्रॉप आउट कर दिया है, स्टेप डाउन कर लिया है फ्रॉम दी एचडीएफसी बैंक और उनकी जगह शशिधर जगदीशन को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो हमारे सेकेंड ऑप्शन में है अल्फा कॉन्डे, इनके बारे में जान लेते हैं कि अभी इनको प्रेसिडेंट के तौर पर एज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ गुनिया के यहाँ पर उनको प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, इनको 59.5% ऑफ द वोट्स इन्होंने सिक्योर की हैं और उसके बाद ये कॉन्ट्रोवर्शियल अपने थर्ड टर्म में पहुंच चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज द चेयर ऑफ फॉर द सिक्स ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड वर्चुअली ऑन 27 अक्टूबर 2020? कौन सी कंट्री ने सिक्स ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को चेयर किया है जो कि वर्चुअली हेल्ड हुई है ऑन 27 अक्टूबर 2020? ऑप्शन देखिए, रशिया या फिर ब्राजील। आंसर मार्क कर लीजिए और यहाँ जो सही आंसर है वो है रशिया। रशिया ने चेयर किया है सिक्स ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो कि हेल्ड की गई थी वर्चुअली ऑन 27 अक्टूबर 2020 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ येश्लेव वोलोडिन। ठीक है, जो कि रशिया के चेयरपर्सन है ऑफ रशियन पार्लियामेंट। ठीक है, इंडिया की तरफ से यहाँ पर इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने यहाँ पर इस फोरम के अंदर, सिक्स ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुइस आरके हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री रिसेंटली टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट? सो यहाँ पर लुइस आरके जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी हाल ही में एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री में ये कार्यवाही हो रही है। ऑप्शन देखिए, बोलिविया या फिर चाइल। और यहाँ जो सही आंसर है वो है बोलिविया। बोलिविया, लुइस आरके हैज बीन चूजन एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ बोलिविया आफ्टर विनिंग लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 2020 बोलिवियन जनरल इलेक्शन। वहां पर बोलिविया के अंदर जनरल इलेक्शन हुए जहां पर लुइस आरके ने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की है और वो बन गए हैं एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ बोलिविया। ठीक है, अब यहाँ की इसकी लोकेशन देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये प्लेस होती है। सो बोलिविया एज यू कैन सी साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में पड़ता है और थोड़ा सा नजदीक से देख लेते हैं और पास की कंट्रीज यानी कि नेबरिंग कंट्रीज भी देख लेते हैं। सो पेरू, ब्राजील, चाइल, पैराग्वा, अर्जेंटीना, ये क्या है? इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की तो लापाज इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज टाइड अप विद द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन टू लॉन्च टू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर।
The two centers of excellence have been inaugurated in which states? Ministry of Tribal Affairs ne Art of Living Foundation ke saath tie up kiya hai aur do center of excellence kholne ki baat ki gayi hai for tribal welfare. तो ये जो सेंटर्स हैं वो कहां पर कौन से राज्य के अंदर खोलने की बात की गई है या इनॉग्रेट किया गया है इनको. तो ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र या एंड झारखंड के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर. और यहां पर जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र एंड झारखंड के अंदर ये जो दो सेंटर्स हैं वो ओपन किए जाएंगे. ठीक है, कौन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कॉर्पोरेशन विद द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च टू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन अ कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. ठीक है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं. द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन लॉन्च्ड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर. पहला सेंटर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो कि महाराष्ट्र के स्टेट में पड़ता है, और जो दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो झारखंड के अंदर है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन टिल हियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स. इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन देखिए, रंजीत नायर या फिर बिमल झुलका. और यहां पर जो सही आंसर है वो है बिमल झुलका. ये बन गए हैं द न्यू चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स. ठीक है, यहां तक सभी कुछ क्लियर हो रहा होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व. इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तारीख बतानी है, ऑप्शन देखिए, अक्टूबर 29 या फिर अक्टूबर 28. और यहां पर जो सही आंसर है वो है अक्टूबर 28. अक्टूबर 28 यानी कि 28 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे. ये जो एनिमेशन डे है ये बेसिकली क्रिएट किया गया इन 2002. ठीक है, द इंटरनेशनल डे ऑफ एनिमेशन या इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 28 टू सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ एनिमेशन एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द आर्टिस्ट साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस बिहाइंड एनिमेशन. और ये जो दिन है ये आर्ट को या आर्ट ऑफ एनिमेशन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है. उसके साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो एनिमेशन के पीछे छुपे होते हैं और जब एनिमेशन सामने आता है उन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है. द 2020 मार्क्स द 19th इंटरनेशनल एनिमेशन डे. और इस साल 2020 के अंदर हम 19वां इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू कि 2002 से इस डे को क्रिएट किया गया और तब से हम इस डे को मना रहे हैं. तो इसको किसने क्रिएट किया? इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ने एंड इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन जो कि एक यूनेस्को का मेंबर है इसके द्वारा इसको 2002 में क्रिएट किया गया. इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए हमसे कहा गया या इस दिन को डिक्लेयर किया गया. अब हर साल हम 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बनी उत्सवम इज द एनुअल देवरगट्टू स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल. दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट. बनी उत्सव ये कौन से स्टेट से रिलेटेड एक स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल है? तो ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका. और यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है आंध्र प्रदेश. रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को इस साल के लिए कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक. राइट, तो इतना भीड़ भड़ाका हम वहां नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस साल इस बनी उत्सवम को कैंसिल कर दिया है. ठीक है, देवरगट्टू दशहरा फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल. ठीक है, ये जो हिंदू फेस्टिवल दशहरा आता है उस टाइम पर ही ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, और कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो स्टिक या बम्बूज से फाइट करते हैं. इट इज अ वायलेंट फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन वेयर पीपल फ्रॉम 3 विलेजेस फाइट विद लॉन्ग बम्बू स्टिक्स. 3 गांवों से लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो बम्बू स्टिक से फाइट करते हैं. मैनी डिवोटीज हु पार्टिसिपेट इन दिस फाइट गेट इंजर्ड. और इस तरीके से फाइट होता है कि लोग एक दूसरे को काफी मारपीट करते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं, चोट लग जाती है. ठीक है, ये हाई डिवोशन लेवल है. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर बनी उत्सवम होता है. हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को इस साल के लिए कैंसिल कर दिया है. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल गेट अ वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ईच.
उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक और राज्य है जो इनके साथ है, वहां पर एक एक इन सभी राज्यों के अंदर एक एक वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ओपन करने की बात है। तो ये इनके साथ, इन राज्यों के साथ जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं उनके साथ एक और राज्य है, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु है या फिर केरला है, और यहाँ जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सभी राज्यों के अंदर एक एक वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोलने की बात है। अब ये जो बात है, इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 to 2025। स्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 रेस्क्यू सेंटर इन पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी आसाम के अंदर एंड हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पर 4 रेस्क्यू सेंटर्स खोलने की भी बात है। देयर आर करंटली नो डेडिकेटेड रेस्क्यू सेंटर फॉर ट्रीटिंग वल्चर्स, और अभी तक वल्चर्स को ट्रीट करने के लिए कोई भी भारत के अंदर कोई भी डेडिकेटेड रेस्क्यू सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर्स भी स्टैब्लिश करने की बात है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सभी को सभी कुछ क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, मणिपुर या फिर नागालैंड, और यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है नागालैंड। नागालैंड के अंदर ये जो त्योहार है जिसका जिसे हम हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं, वो काफी सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 1963 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ऑल द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड टेक पार्ट इन दिस फेस्टिवल, जितनी भी ट्राइब्स है नागालैंड के अंदर वो सारी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। द एम ऑफ द फेस्टिवल इज टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड एंड डिस्प्ले इट्स एक्स्ट्रावेजेंजा एंड ट्रेडिशंस। नागालैंड का जो कल्चर है, वहां का जो ट्रेडिशन है, बेसिकली उसको रिवाइव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर ये जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज एनुअली हेल्ड फ्रॉम डिसम्बर 1 to 10, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल ये पहली बार वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाना है बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। ठीक है, जितने भी समिट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, दे आर गोइंग वर्चुअली, इट इज बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को भी इस साल, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा, उसको COVID-19 की वजह से वर्चुअली इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021? कौन सी सिटी, बेसिकली यहाँ पर कंट्री की बात करें तो ऑलरेडी आपके सामने मैप है, तो यहाँ पर सिटी की बात की है कि जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में कौन सी सिटी यहाँ पर इसको होस्ट करेगी। ऑप्शन देखिए क्या है, बुडापेस्ट या फिर लंदन, और यहाँ जो सही आंसर है वो है बुडापेस्ट में ये जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 होगी। सो बुडापेस्ट इज द कैपिटल एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ हंगरी की, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है और कैपिटल भी है हंगरी सिटी की, जहां पर ये जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 होने जा रही है। ठीक है, अब आज हमारे पास है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या कहें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम क्वेश्चन फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डिस्कसिंग दैट। ठीक है, तो अब वो शुरू करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव। इट सेज मलेशिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्चुअल एवर वर्चुअल समिट ऑफ लीडर्स फ्रॉम द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक, यानी कि एशिया इकोनॉमिक पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की पहली बार वर्चुअल समिट होने जा रही है, जिसको होस्ट करने जा रहा है मलेशिया। अगर हम बात करें 2021 की तो न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेगा, अगर हम बात करें एपेक की तो द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 21 मेंबर इकोनॉमीज हैं इन द पैसिफिक रिम दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, जो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड कहां कहां पर, एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर। अगर हम बात करें एपेक की तो ये स्टार्ट हुआ 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, सिंगापुर के अंदर है। यहां पर एक नोट करने वाली बात ये है कि इंडिया इसका सदस्य नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं कि क्या है। यूनियन रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि 1.8 किलोमीटर का लॉन्ग फेनी ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है सेब्रम एंड रामगढ़ को, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये फेनी ब्रिज है, जिसे मैत्री सेतु भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, ये जो बिल्ट है ये फेनी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा एंड इट विल कनेक्ट त्रिपुरा विद चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। ये त्रिपुरा यानी कि भारत के एरिया त्रिपुरा को, त्रिपुरा से कनेक्ट करेगा चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश को। द फेनी रिवर विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ओरिजिनेट्स इन द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो नाम रखा गया है ब्रिज का, ये एक रिवर के ऊपर रखा गया है। ये जो रिवर है ये बांग्लादेश और इंडिया के
को बॉर्डर करती है. ओरिजिनेट कहाँ से होती है? साउथ त्रिपुरा से ओरिजिनेट होती है एंड इट पासिस थ्रू सबरूम टाउन ऑफ इंडियन साइड. और यहाँ पास होती है सबरूम टाउन से, फेनी मीट्स द बे ऑफ बंगाल आफ्टर इट फ्लोज इन टू बांग्लादेश. जब ये बांग्लादेश में फ्लो करती है उससे पहले ये बे ऑफ बंगाल में मीट करती है. ठीक है, अब यहाँ पर इतनी ही जानकारी थी एंड वी विल नो मोर अबाउट इट. सो आई होप इट्स क्लियर कि फेनी ब्रिज कहाँ पर डेवलप किया जाना है. और ये जो जानकारी दी है वो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के थ्रू अनाउंस किया गया है. ठीक है, अब एक और जानकारी है वो भी देख लेते हैं. इंडियन आर्मी ऑन अक्टूबर 27, 2020 सेलिब्रेटेड द 74th इन्फेंट्री डे. भारतीय आर्मी ने, भारतीय सेना ने कहें कि 27 अक्टूबर को एक दिन सेलिब्रेट किया जिसे हम कहते हैं इन्फेंट्री डे. इस साल 74th इन्फेंट्री डे इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया है. द डे एम्स टू कॉमरेट द सेक्रीफाइस ऑफ द इन्फेंट्री मैन हु फॉट इन इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री इवेंट ऑन अक्टूबर 27, 1947. यानी कि ये जो दिन है ये उन शहीदों को नमन करने के लिए है जिन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट मिलिट्री इवेंट को फाइट किया था ऑन अक्टूबर 27 इन द लॉन्ग वे बैक ऑफ 1947. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर. आई होप यू लाइक दिस सेशन. आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, एडिशनल जो पॉइंट्स है करंट के वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको पसंद आया है, अगर आपने कुछ भी सीखा है, सो डू लाइक दिस वीडियो सो दैट आई कैन नो के यू लाइक इट. और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो. सो हम मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर्स सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.